मैं हूं। आपने वो लिंक किया जो मैंने लिंक भेजी थी? ओके, वेट, अब आ रही है, अब आएगा, अब आएगा। इनवाइट कर रहा हूं सर मैं, नाउ इट्स इनवाइटिंग। वेट वेट सर, ओके सर, हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? 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 हेलो हेलो सर, कनेक्ट जी, हुए? फेस तो आ रहा है मेरा, लेकिन आवाज वगैरह नहीं आपकी। ओके ओके, वेट सर। ओके, अब आ रही है सर? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? हेलो, आई? हाँ, ये पापा अभी भी नहीं आ रही है। ओके, कुछ तो भी शाउट हो रहा है उधर से बच्चे। बहुत हल्की हल्की आ रही, बहुत मामूली सी कुछ कह रहे हैं, आ रही है। नहीं सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज, मुझे मुझे अब आ रही है। आपको आ रही है? बाबा देखिए, हाँ बेटा, हाँ, आ रही है? नहीं आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। म्यूट कर, आप अपना मोबाइल म्यूट कीजिए। बहुत स्लो हाँ, आ अब आ रही है सर? रही हाँ सर, ना। मुझे आ रही है आपकी आवाज, मुझे आ रही है अच्छा, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी। तो एक सेकंड, हम इधर से चेक कर। हेलो, तो पता नहीं क्या हो गया, तो कोई और तरीका? आपकी तस्वीर तो आ गई है सामने, जी, आपकी और मुझे पिक्चर आ आपकी गई है आवाज आ सामने। गई है अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, क्लियर क्लियर सर, आ रही है? बहुत बहुत कम है, बहुत ही कम है। अच्छा, वेट सर, अब नहीं ठीक सर, है? आवाज बहुत कम है। अब ठीक है? हेलो सर, अब ठीक है? नहीं सर, आवाज बहुत कम है आपकी। वेट सर, अब आ रही है मेरी आवाज? नहीं सर, हेलो, यस सर, आगे हेलो करो। हेलो 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 हेलो, जी, बहुत ही कम आ रही है ये हाँ बात, सर, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रही वैसे। अच्छा, पर हाँ, ऑडियंस को जा रही है सर आवाज क्लियर? अच्छा, ऑडियंस को जा रही है? बाबा क्या प्रॉब्लम है, ये ना कि आपको सुनाई देना जरूरी है। हाँ मेरा जूम पे जाना, नहीं वो तो ऑलरेडी सबको जा चुका माइक सारा सेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, अब बताइए।
अब आ रही है? सर ऐसा कर सकते हैं, आप कॉल पे रहिए, वीडियो पापा के चलती रहेगी आंसर, और वो फोन के थ्रू आपको आंसर दे देंगे। आपकी तो, पापा की तो ओके आवाज आ रही है ना आपको? वेट। पापा की आवाज आ रही है ना आपको? हाँ मुझे तो आ रही है, मुझे तो आ रही है। तो बस पापा आप कॉल पे बने रहिए, तो आपकी आवाज यहाँ पर वॉइस कॉल से आ रही है, वो आपको आंसर इधर ही दे देंगे। साउंड भी आ रही है ना पापा? ओके, बट उसमें दिक्कत ये होगी सर कि काफी हाँ डिस्टरबेंस हो जाएगा आवाज में। वो टेक्निकल स्नैग है, कोई किसी की बात हमारी तरफ से है। और सौ में आवाज आ रही है आपको? यार आपके फोन में तो आ रही है, ये जी आई एम सर, फोन पर आ सॉरी। रही है। कॉल पे बहुत अब आ रही है सर? स्लो है सर, बहुत स्लो। पता नहीं, मुझे आपकी एकदम क्लियर आवाज आ रही है सर, अरे वाह, अरे और बहुत परफेक्ट आ रही है। नहीं, ऑडियंस सर, ऑडियंस कह रही है कि दोनों की आवाज परफेक्ट आ रही है। सर क्या करें, आप बताएं। शुरू करें। अच्छा, चलिए ये करते हैं सर। ओके सर, चलिए। सर शैल आई बिगिन? हेलो सर, शुरू करें। सर वो कह रहे हैं एक ऑडियंस की, सर से कहिए कि एक बार वॉल्यूम बढ़ाकर देखें उनके फोन का। ओके फुल है फिर भी। हेलो हेलो, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, कुछ भी नहीं सर आ आवाज रही। आ रही है? मैं म्यूट था। अब आपकी आ रही है? हाँ आ रही है? सब जी, परफेक्ट ओके परफेक्ट जी जी या चलिए जी सर शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सबसे पहले तो हमारे बीच हमारे आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर सैमसन डेविड सर हैं। सर फॉर्मली औपचारिकता के तौर पर आपका स्वागत कर रहा हूं सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी वेरी मच। सर। सर आज सौभाग्य की बात यह है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, जी 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 और स्वामी श्रद्धांजलि। विवेकानंद जी की पुण्यतिथि होने के साथ साथ हमारा विषय भी उसी से संबंधित है। जो भी हमारे साथ जुड़े जी हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करते हुए ये बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद यानी हमारे देश के युवाओं के एक सबसे बड़े आदर्श थे। आदर्श इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आदर्श के रूप में मेरे ख्याल से उनसे बढ़कर के युवाओं को सबसे अधिक प्रेरणा देने वाला हिंदुस्तान में आज तक कोई एक बड़ा महापुरुष उनसे बढ़कर के नहीं हुआ। सर मेरे जहन में जब मैंने आपसे बात की और उसके बाद में जब मुझे पता चला कि सही रूप में
स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि और हमारा जो विषय है उस विषय को यहां पर रखना कितना जरूरी हो जाता है कि युवा, युवा महोत्सव और डॉक्टर सैमसन डेविड तीनों की एक कड़ी जुड़ती है। सही है सर? कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, कारण ये है सर कि मेरे एक मित्र हैं, युवा कवि हैं, जो नागपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व वाद विवाद के क्षेत्र में करते थे, डॉक्टर भाई विनोद विद्रोही जी। उनकी एक कविता है कि विवेक जाने कहां खो गया है पूरब के युवाओं का, आनंद उठाए फिरते हैं पश्चिम की हवाओं का, तप शील त्याग तपस्या से अब नहीं अनुबंध है, बस तस्वीरों में कैद हो गए अब विवेकानंद हैं। जी जी जी, जी विवेकानंद आज सही अर्थों में जहां तस्वीरों में कैद होकर के रह गए हैं, वहां पर हमको ये समझना होगा कि इस देश के भीतर युवा कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने जरूरी हैं, कितने आवश्यक हैं। और मैं इससे पहले कि आज के सत्र की शुरुआत करूं, मैं अनौपचारिक रूप से सभी को ये बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के चाहे वह जोनल हो, चाहे वह राष्ट्रीय हो, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय हो, यदि वहां पर इस प्रकार का कहीं पर भी यूथ महोत्सव, युवा महोत्सव दिखाई देगा तो उसमें एक चेहरा होगा और वो होगा डॉक्टर सैमसन डेविड सर का। डॉक्टर सैमसन डेविड सर की एक खासियत है कि एक बार यदि ये किसी का चेहरा देख लें तो उसे नाम से, चेहरे से आप कभी किसी बाजार में भी मिल जाओगे भरी भीड़ में तो वहां आपको पहचान करके बोलेंगे यू आर फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, आई एम राइट, करेक्ट सर? बिल्कुल। सो ये जो खैर बड़प्पन है आप लोगों का सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपकी विशेषता ये है कि ना सिर्फ नाम से बल्कि यदि फेसबुक पर भी कोई आपको बिना प्रोफाइल पिक के अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपके दिमाग में उसका नाम बैठा होता है, दिस पर्सन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। हाँ, ये कोशिश रहती है मेरी और यही बस, इस पे कोई वो बात नहीं है, इस पे केवल बात है दिल की, और दिमाग को होता ही है लेकिन दोनों का समन्वय बड़ा आवश्यक है, क्योंकि दिल के अंदर या मन के अंदर किसी को पूरी तरीके से समा के श्रद्धा के साथ और उसको याद रखना, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, उसके पूरे जिस्म को अपने अंदर उतार के रखना, वो एक दोस्ती का असली रूप है और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं कि भाई कोई मिला और बाद में कभी मिलेंगे, तो मेरे साथ वो नहीं है शायद, तो ये कमी है या अच्छी बात है, तो मैं एक बार ही मिलता हूँ तो अच्छा लगता है, दिल से भी मिलता हूँ और दिमाग दोनों से ही मिलता हूँ, तो इसलिए याददाश्त अच्छी रहती है उसमें। सर आपकी यहाँ पर एक बात मैं कोट करना चाहूंगा कि यदि कोई दिल से मिलता है तो ही शायद यादों में बसता भी है। जी जी जी, जी। और यदि यादों में कोई बस गया तो वो यादों से कभी उतरता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए एक बेहतरीन कलाकार, हम सभी के मेंटर, एक बेहतरीन एक्टिविस्ट, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वह हार्मनी के क्षेत्र में हो, या उसे पीस का एम्बेसडर कह दें हम, ऐसा एक व्यक्तित्व जो हजारों नहीं लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत रहा है, 1985 से 1985 से जिसका सफर शुरू होता है और 2020 के पड़ाव पर भी जो उतना ही एनर्जेटिक होता है जितना कि वो 1985 में था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो एआईयू की जान, बुनियाद, बेस, मजबूती का नाम, जिंदा दिली का नाम और खूबसूरती का नाम है, उसे कहा जाता है डॉक्टर सैमसन डेविड। यदि आप किसी भी विश्वविद्यालय की स्पर्धा में भाग लेने के लिए गए हैं, चाहे वह जोनल हो, चाहे वह नेशनल हो, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, आप पहुंचते बराबर तुरंत जाकर के डॉक्टर साहब को मिस कॉल देंगे, फोन करेंगे, एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, सर वेयर आर यू, चाहे रात के 2 बजे आपकी यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन पर क्यों ना पहुंच रही हो, डॉक्टर साहब वहां पर उपस्थित होंगे, खड़े होंगे, और यदि खुद नहीं होंगे तो किसी ना किसी को भिजवाएंगे
कि जाइए उन्हें रिसीव करिए और रिसीव करके वहां पर लेकर आइए। यानी आने वाले प्रतिस्पर्धियों की पार्टिसिपेंट्स की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने की एक गार्जियन के रूप में युवा जो बाहर अलग अलग शहरों से आ रहे हैं उन्हें उचित व्यवस्था देने का। वरना देखिए सर, आज हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स में जाते हैं, सामान्य रूप में वहां पर बता दिया जाता है यहाँ इस कमरे में आप चले जाइएगा, यहाँ आपकी व्यवस्था होगी, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में व्यक्ति का मैनेजमेंट सही रूप में यदि कोई देखने मिलता है तो वो होते हैं डॉक्टर सैमसन डेविड सर। मैं आपकी तारीफ में कसीदे नहीं गढ़ना चाहता, मैं केवल वो फैक्ट हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें बताना चाहता हूं जिससे कि आप ताल्लुक रखते हैं। एक भी बात ऐसी नहीं जिसमें कि मुझे डॉक्टर साहब ने बोला हो कि आप मेरे बारे में ये बताइए। मैं नागपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी आज देहरादून में रह रहा हूं, लेकिन नागपुर विश्वविद्यालय के उस छोटे से बालक को डॉक्टर साहब से केवल 3 बार मिलने पर भी उन्होंने याद रखा। कल्याणी यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अमृतसर, यहां मुलाकातों के दौर में 3 बार, और कोई एमपी एमएलए या बहुत बड़े व्यक्ति तो हम थे नहीं, उनके लिए बहुत सारे हजारों बच्चों में से हम भी एक बच्चे थे, लेकिन उनके बीच में उनकी जो स्मरण शक्ति है, उनकी जो याददाश्त है और उनकी जो दरिया दिली और जिंदा दिली है सर, उस खातिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और फॉर्मली अब हम शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जी सर, हमारे साथ अलीगढ़ से आदरणीय जॉनी फॉस्टर सर जुड़े हुए हैं। सर गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जया गुरु जी नासिक से जुड़ी हुई है, वरुण जी जुड़े हुए हैं, वेंकटेश नायडू जो साउथ ईस्ट में जाने वाले हैं, साउथ ईस्ट में जाने वाले हैं फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक आपके लिए संदेश भेजा है जो मैं आपको जरूर पढ़ करके सुनाऊंगा। सो वेंकटेश नायडू, राजा मैथ्यूज जी जुड़े हैं। सो कुल मिलाकर के सर जुड़ने और देखने वालों का आपका जो प्रेम है वो बनता रहेगा और हम लोग औपचारिक शुरुआत करते हैं। सर सर सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एआईयू के भीतर आप जब प्रवेश करते हैं अपनी जिंदगी के जो भी आपका एक उम्र रही होगी, जो एक दौर रहा होगा, उससे एआईयू और आपका जुड़ाव वहां से शुरू करते हैं, एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से। जी हाँ, एआईयू यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, हिंदी में भारतीय विश्वविद्यालय संघ। जी, एआईयू जो है एक बहुत बड़ी एजुकेशनल बॉडी है, इंटर यूनिवर्सिटी, पूरे संसार में शायद नंबर 1 पे इसलिए आ सकती है क्योंकि ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इसका डोमेन है, ना सिर्फ एजुकेशन रिसर्च में बल्कि स्पोर्ट्स में, कल्चरल अफेयर्स में। ये एकमात्र ऐसी बड़ी संस्था है, इंटर यूनिवर्सिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तरीके से और ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट इन द सेंस, वैसे तो इसका 1925 में इसकी स्थापना हुई थी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से, लेकिन उससे भी पेशतर अगर हम देखे जाए तो जो हमारी आजादी से पहले 1919 की बात में बता देता हूं, जो बहुत कम लोगों को मालूम, 1919 में सैडलर कमीशन आई थी, उन्होंने कई पॉइंट्स अपने रखे और उस जमाने की गवर्नमेंट या हुकूमत ने कहा कि कुछ एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ सोचा जाए और कुछ जो उस वक्त 10-12 यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय थे उनको इकट्ठा लाके कोई बात आगे बढ़ाई जाए परस्पर, तो म्यूचुअल। उसके बाद में 1924 में शिमला के अंदर तब के वाइस जो रॉय थे, वाइस रॉय ने फिर से शिमला में बुलाया और उन्होंने एक आदेश निकाला कि 23 मार्च 1923 को एक बॉम्बे विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एक सभा का आयोजन करा जाए। 14 यूनिवर्सिटीज उस वक्त की थी, उनके वाइस चांसलर्स को बुलाया और वहां की लाइब्रेरी में एक डिसीशन हुआ कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की एक स्थापना हो जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कॉपरेशन से सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, मान लीजिए समकक्षता हो गई, डिग्रीज डिप्लोमास इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री डिप्लोमास हो गया, रिसर्च हो गई, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, क्या क्या सोच सकते हैं सारे विश्वविद्यालय, तो ये एक स्टार्टिंग हुई थी एआईयू की तब से, क्योंकि शुरू में एआईयू भी था, यूनिवर्सिटी बोर्ड,
बाद में 1963 में इसको रजिस्टर्ड किया और 1973 में 1973 में रिक्रिस्टनिंग हुई, इसका नाम AIU पड़ गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। सारे विश्वविद्यालय जो है आज तकरीबन 900 विश्वविद्यालय इसके रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जिसमें हर तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वगैरह वगैरह, चाहे विमेंस यूनिवर्सिटीज हैं, संगीत के विश्वविद्यालय, सबको मिला के ये इस तरीके से हमारा ये एक कॉमन एक बोर्ड बना हुआ है। और तो इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास बताया कि लोगों को पता चल जाए कि AIU है क्या। जी जी सर, AIU के बारे में कभी आपसे चर्चा करते हुए दो चीजें पता चली थी सर, एक 1956 वाला दौर और एक 1985 वाला दौर। उन दोनों चीजों के बारे में आप यदि दर्शकों को बताएं जो जुड़े हुए हैं, और खास रूप से जो युवा हैं जो AIU को जानते तो हैं लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड को नहीं जानते, चाहे वो 1956 का हो या 1985 का, यदि वो आप संक्षिप्त में बताएं तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, उस वक्त जब हमारी बात हो रही थी तो मेरा कहना ये था कि बेशक AIU है सबसे पुरानी हमारी हायर एजुकेशन बॉडी जो कि इंडिया में है, और बाद में जो बहुत पावरफुल पोटेंट बॉडी जो कि बनी हमारी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको सब जानते हैं क्योंकि वहीं से सारी डिग्रीज डिप्लोमा और फंड्स वगैरह वहीं से होते हैं। तो UGC की जो स्थापना हुई थी वो AIU की रिकमेंडेशंस पे हुई थी, क्योंकि जितने वाइस चांसलर्स हैं बहुत पहले से सब एक कॉन्फ्रेंस होती है उनकी AIU के तहत, तो उस वक्त भी हुई थी। तो 1956 में जो स्थापना हुई वो UGC की भी, और 1985 की जो बात कर रहे हैं आप वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि AIU का काम तो चल रहा था, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल यूथ ईयर IYY यानी कि पूरा इंटरनेशनल यूथ ईयर था, और उस वक्त ये सोचा गया कि हमारी यूथ कल्चरल एक्टिविटीज को इसलिए प्रमोट किया जाए क्योंकि सिर्फ एजुकेशन बुकिश लैंग्वेज को ही प्राप्त करना एक एजुकेशन नहीं है, बल्कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूर्ति तरीके से हमारी जो कि बॉडी सोल एंड माइंड उसको बढ़ाने के लिए हमारी किताबी एजुकेशन के अलावा और भी होना चाहिए, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, कोरल म्यूजिक है, ग्रुप सॉन्ग्स है, इस तरीके सर्वांगीण विकास के लिए ये होना चाहिए। तो उस वक्त 1985 में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, क्योंकि हमारा जो कंट्री था NAM कंट्रीज का चेयरिंग थी उस वक्त, चेयरमैन बने, तो HRD मिनिस्ट्री तब बनी हुई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और तब इस तरीके से सोच पैदा गई, सारे विश्वविद्यालयों को चार जोन में, आजकल पांच जोन फेस्टिवल होते हैं, तब चार जोन में बांटा गया, उनके चुने हुए सारे जो 22 इवेंट्स के जो थे प्रतिभागी वो 800 थे करीबन, वो दिल्ली में आए, और उसी तरीके से नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज NAM कंट्रीज जो है कुट निरपेक्ष देश, उनके भी युवा कलाकारों को बुलाया गया, और यहाँ पर दिल्ली में बहुत बड़ा NAMI फेस्ट जो आजकल नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है हमारा हर साल, उसको इंटरनेशनल उस वक्त बना दिया था 1985 में, जिसको आप कह रहे हैं, उस पे पूरा भारत सब लगा हुआ था, सारे वाइस चांसलर्स, दिल्ली की जितनी हुकूमत के सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेके HRD मिनिस्टर से लेके, और जितने भी चाहे हमारे चीफ सेक्रेटरीज हों चाहे कोई भी हों, वाइस चांसलर्स हों, सबके सब जुड़े हुए थे। बहुत ही बड़ी एक ये योजना के तहत NAMI फेस्ट को, जिसमें 56 कंट्रीज के 133 यूथ भी आए, 800 हमारे चुने हुए थे, और बाकी जो दूसरे जो कि हमारे इनवाइटेड गेस्ट थे, परफॉर्मेंसेस थी, तो ये 5 दिन तक फेस्टिवल चलता रहा NAMI फेस्ट। तो ये 1985 इंटरनेशनल यूथ ईयर में ये इतने बड़े बड़े काम हुए, मेरी एंट्री भी तभी हुई थी, और इस तरीके से प्रतीत हो रहा था जैसे कि एक बहुत बड़े सागर के अंदर किसी छोटे से बच्चे को फेंक दिया जाए, अब तैरेगा कैसे, मेरी हालत वाकई में हुई थी, और किसी तरीके से तैरा क्योंकि मेरे साथ जो लीडर्स थे उन्होंने मेरे को काफी हिलोरे दे दे के सागर के पार लगाया, वो एक एजुकेशन का पीस है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये तब से कारवां जो है चलता हुआ आज की तारीख तक इस तरीके से। सर, इसी पर आदरणीय जॉनी फोस्टर सर का एक प्रश्न आया है, पहले वो ले लेते हैं। वो कहते हैं कि
1985 से 2019 तक के यूथ फेस्टिवल के सफर का एक सबसे अच्छा और सबसे एक सबसे बुरा अनुभव क्या रहा होगा? सबसे अच्छा तो मैं ये कहूंगा, बहुत जॉनी फॉस्टर साहब एक पूरी दुनिया के माने हुए शायर हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो हैं वो कल्चरल कोऑर्डिनेटर भी हैं और म्यूजिक इंस्ट्रक्टर भी, बहुत माने हुए आदमी हैं सर। इन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट हमारे सबसे पहले फेस्टिवल में भी किया था जो हिसार में हमारा सबसे पहला हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जोनल फेस्टिवल हुआ था और आज की तारीख तक ये मुसलसल हमसे जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसको मैं बताना जा रहा हूँ। इस तरीके के इस धरोहर के साथ, इस हेरिटेज के साथ, इस बिरादरी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए और सबसे बड़ी सफलता या उपलब्धि इन फेस्टिवल्स की जिनको यूनिफेस्ट बोलते हैं निकने में या एक्रोनिम में यानी यूनिवर्सिटी फेस्टिवल, ऐसे हजारों लोग चुने हुए उस जमाने से आज तक एक पूरे धागे के अंदर जुड़ गए हैं मोतियों के तरीके से और वो पूरी एक माला ऐसी बढ़ के जम चुकी है कि ये आज तक इस पे हजारों हजारों लोग जुड़ गए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी कमजोरी, यूं तो हर प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जॉनी फॉस्टर भी अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया था और ऐसे बहुत सारे डीन ऑफ यूनिवर्सिटीज थे, वाइस चांसलर थे, एक समय ऐसा आ गया था, बहुत पहले की बात है, इन फेस्टिवल की फंडिंग रुक गई थी और बहुत ही मुश्किल में, यानी ऐसा टाइम था कि ये खत्म हो चुकी थी योजना यूनिफेस्ट। किसी तरीके से सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, जॉनी फॉस्टर भी थे, बहुत सारे लोग थे, हम सब ने मिलकर किसी तरीके से इसकी जो नियमितता है, रेगुलरिटी जो है, वो उसको हमने भरपूर निभाया और आज तक ऊपर वाले के कर्म से ये सिलसिला चलता रहा है। तो उपलब्धि भी और कमजोरी दोनों मैंने बताया। जी सर, यदि 22 मिनट आपसे बात कर चुके हैं और उसमें एक भी गाना ना सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले तो जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं कि हमारे आदरणीय डॉक्टर सैमसन डेविड सर एक बेहतरीन संगीतकार हैं, बेहतरीन गीतकार हैं, बहुत अच्छे अल्फाज लिखते भी हैं। सो ऐसे व्यक्तित्व तो एक विश्वविद्यालय के फेस्टिवल में होना अपने आप में, कलाकार का जिसका दिल होता है वो कलाकारों के दर्द को भी समझता है। सर मैं एक किस्सा आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इजाजत दें तो मैं बताऊं। जी, यदि किसी प्रतिस्पर्धी को पुरस्कार ना मिले तो उसका दर्द डॉक्टर सैमसन डेविड सर भी जानते हैं और उसे अपने सीने से लगाकर, गले से लगाकर कहते थे, ये स्पर्धा है, यहां दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मैं बात कर रहा हूं उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, उस्मानिया में जो यूथ फेस्ट हुआ था जोनल का, वहां पर मैंने आपको एक बच्चे को गले लगाकर ये कहते सुना था कि ये कॉम्पिटिशन है बेटा, दुनिया बहुत लंबी है और अभी तुम्हें लंबा चलना है। यानी पुरस्कार देने के बाद जिन्हें नहीं मिल रहा उन्हें सांत्वना नहीं, उन्हें एक बेहतरीन प्रोत्साहन का नाम भी डॉक्टर सैमसन डेविड सर हैं। और आपके गीतों को, संगीतों को अलग अलग समय पर इरा वाइज आपने बनाया है, तो मैं चाहूंगा सर सबसे पहले एक ऐसा गीत जो आपको बेहद पसंद हो। अच्छा, चलिए, देखिए बातें तो बहुत सी होती हैं और आप बात और बातों के बगैर हम जी नहीं सकते, बात के ऊपर ही मैं बात करता हूं। मैथिसन साहब की गजल है और आज शाम के वक्त मेरा ख्याल है ये बहुत खूबसूरत रहेगा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अब क्या बात तेरी मैं कभी ऐसी तो ना थी। इसकी दो लाइन है, क्या बात, राग भोपाली पे है, मैं आपको सुनाता हूं। जी सर, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे, बात करनी
क्या बात बात कर, तो ये बात हो गई आपके साथ। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। जी, जी, यदि यहाँ ऑडियंस होती तो तालियों की साथ में एक वंस मोर भी आ जाता सर। सर सर मैं एक बात को आगे बढ़ाते हुए ले जाना चाहता हूँ सर। जी, मैं यूपी में जन्म हुआ, छोटे से अच्छा। गांव में, नागपुर में परवरिश हुई। कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ में आकर के या एक ऐसे मंच पर बैठ करके कभी इतना इतने अच्छे अच्छे लोगों से सरोकार होगा, बातचीत होगी, पहचान होगी। लेकिन दो चीजें हैं सर कि जब नागपुर जी विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में मैं खड़ा होता हूं भाषण देने के लिए, यानी जी पहला चरण, तब मेरे दिमाग में एक लक्ष्य होता है कि मुझे नेशनल जाना है, जिसके लिए मुझे न जाने कितने राउंड्स पार करने पड़ते हैं। फिर मुझे जोनल, पहले यूनिवर्सिटी लड़ना पड़ता है, फिर मुझे आपके जोनल्स पे आना पड़ता है, फिर नेशनल तक जाना पड़ता है। सर ये जो क्राइटेरिया बना हुआ है, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर जोनल्स और फिर नेशनल, क्या इसके पीछे कोई योजना है या इसको किस उद्देश्य से इस प्रकार से बनाया गया था? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लोगों को जानना भी जरूरी है और लोगों को पता भी नहीं है। जी जी, इनका एक पैटर्न सिलसिलेवार बन गया है ऑलरेडी, जब से AIU के यूथ फेस्टिवल स्टार्ट हुए हैं। तो अब हर साल ऐसा होता है, तकरीबन अगस्त में या सितंबर में, जिसकी जैसी यूनिवर्सिटी, जिसको जैसा लगता है, वो अपने इंटर कॉलेज फेस्टिवल कराती है। तो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मान लीजिए ए यूनिवर्सिटी है, तो उसको पता है कि हमें जोनल फेस्टिवल AIU में जाना, उसके लिए एक सिलेक्शन या स्क्रीनिंग प्रक्रिया है। उसमें देखा जाता है कि इवेंट्स कौन कौन सी हैं। अभी AIU की जैसे 28 इवेंट्स हैं, म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, फाइन आर्ट्स में, लिटरेरी एक्टिविटीज में, और इसके सब इवेंट्स हैं। मान लो आपका लिटरेरी में रहा था तो आप डिबेट में थे, एलोक्यूशन भी है, क्विज भी है, तो उसमें उस तरीके के लोगों को, स्टूडेंट्स को वो यूनिवर्सिटी ढूंढती है अपने कॉलेज के फेस्टिवल करा के आपस में, पहले इंटर क्लास, फिर इंटर कॉलेज, फिर उस तरह एक यूनिवर्सिटी की टीम बनी। यूनिवर्सिटी की टीम एक जोनल में जाती है, वहां भी उनको बोला जाता है कि भाई आप 40 से ज्यादा नहीं स्टूडेंट्स ला सकते, इंक्लूडिंग टीम मैनेजर, बड़ी मुश्किल हो जाती है, 28 इवेंट और 40 का दल और कितने सारे। तो एक एक बच्चे को मल्टीपल
उसपे एक्सरसाइज में जाना पड़ता है। तो एक बच्चा जैसे एक स्टूडेंट है वो गा भी सकता है, पेंटिंग भी कर सकता है, तो ऐसे को मल्टी डायमेंशनल वाले को ज्यादा लेते हैं, तो वो एक टीम बन जाती है। तो मैंने जैसे कहा इंटर कॉलेज हुए, फिर एक यूनिवर्सिटी की टीम बनी, यूनिवर्सिटी की टीम से जोनल पे गए। जोनल के ऊपर भी ये होता है कि अभी 5 जोन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और सेंट्रल, हर एक में तकरीबन 40-45-50 यूनिवर्सिटीज आ जाती है हर जोन में। तो उनमें से भी सिलेक्शन फर्दर होता है, एक्सपर्ट्स आते हैं इनका करते हैं, 5 दिन का आयोजन होता है, सुबह से रात के 1:30-2:30-3:3 बजे तक भी जैसे बनक पेज वगैरह चलते हैं, लगातार चलता है, लोग बच्चे रिहर्सल करते हैं, वहां से जो सिलेक्शन होते हैं फाइनल वो फिर नेशनल पे जाते हैं, फिर नेशनल पे सारी यूनिवर्सिटीज का इकट्ठा होता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो अगस्त से स्टार्ट होती है और तकरीबन फरवरी तक ये मुसलसल चलती रहती है। लेकिन इसका भी सोच जो है, कॉन्सेप्शन, कौन फंडिंग करेगा, कौन कैसे, कौन इसका टीम इंचार्ज बनेगा, कौन सिखाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह अगर नाटक वगैरह के लिए इकट्ठी करनी है कौन करेगा, बस ड्राइवर कौन होगा, टिकट बुकिंग कौन कराएगा, खाना का प्रबंध कौन करेगा, रिहर्सल कौन कराएगा, मेनी 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 थिंग्स, ऐसा ह्यूज बिजनेस। तो सारी चीजों को लेके फिर वो चलते हैं। तो ये एक संक्षेप में मैंने बताया प्रक्रिया पैटर्न। जी सर, मैं एक याद आपके साथ साझा करना चाहूंगा और जो सुन रहे हैं उनके साथ में, स्पेशली जॉनी सर और अन्य जो युवा हैं। जब हम ट्रेन से टीम लेकर जाते थे तो एक बार एक यात्री ने हमें ये कहा, कहाँ जा रहे हो? तो हमने बताया भाई यूथ फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे हैं। टीम जा रही है या मोहल्ला जा रहा है? ठीक हमने है, उसको कहा अभी तो मोहल्ला है, आते समय इसके साथ में ट्रॉफियां भी होगी, तब आप कहोगे पूरा शहर जा रहा है। जी, कहने का मतलब ये है, मैंने दरअसल सर ये सवाल इसलिए लाया था क्योंकि हमारा विषय है कि नेशन डेवलपमेंट में, राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में युवाओं की जो यूथ महोत्सव की भूमिका होती है उसके लिए वो कॉलेज से अभ्यास शुरू कर देता है, प्रैक्टिस शुरू कर देता है, उसका एक लक्ष्य बन जाता है। और युवा महोत्सव पर मैं जितनी नजर डालता हूं, चाहे वो 12 जनवरी का हो, चाहे वह आप एआईयू के द्वारा माने, चाहे वह नेहरू युवा केंद्र के द्वारा माने, उसे एक लीडरशिप जो मिलती है उस लीडरशिप से बेहतरीन उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है सर। क्या एआईयू या यूथ महोत्सव, युवा फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल्स जो होते हैं ये नेशन बिल्डिंग के भीतर अपनी सोच को पूरा होता हुआ पा रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो सोच थी 1956 में, 1985 में, क्या वो सोच हकीकत में तब्दील हो रही है? बिल्कुल 100%, 100% मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपने भी एक्सप्लेन करा है। देखिए, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या नेशन बिल्डिंग, ये सारी चीजें मिला के हम देखते हैं, अगर ये बाय चांस यूथ फेस्टिवल या ऐसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, सपोज, इसका मतलब ओपोजिट होगा, नेगेटिव होंगी, तो नेगेटिव एक्टिविटीज होंगी, तो कंस्ट्रक्टिव की जगह वो जो है तोड़फोड़ की होंगी, डिस्ट्रक्टिव होंगी, मतलब कहना चाहिए बस, हमें आग लगाना, कैंपस में आग लगाना, पर ये रोक देना, मार धाड़ ये करना। तो युवाओं का जो है, युवा का, बल्कि मैं ये कहूंगा, एक स्टेटमेंट मेरे को याद आ गई, इसको उल्टा बना दिया जाए, युवा का तो वायु बन जाता है, वायु का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो विंडमिल वगैरह के लिए एक आपको उपयोगी एक सिद्ध कर सकता है। और यही अगर बवंडर बनकर वायु आती है तो बड़े बड़े लोगों के ताज महल और सारी की सारी चीजें जो है, बड़े बड़े आपके बिजनेस सेटअप, ये सब उड़ जाते हैं, उसमें कारें उड़ जाती हैं, इतना बवंडर हो जाता है। तो वायु या युवा दोनों का इस्तेमाल उस रूप में कीजिए जिससे पॉजिटिविटी हो। यहाँ पर जो है नेशन बिल्डिंग जो है, हमारे युवा जितने भी निकले हैं अभी तक लाखों की संख्या में, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हुई है एक से एक। सबसे पहला वर्ड आपने कॉन्फिडेंस बोला, सबसे बड़ी तो वही बात है कि आपको उस एज के अंदर, जो फॉर्मेटिव एज होती है, जब आपकी युवा होती है, आप 17-18 साल के या 20-19 साल के, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे चलना है, कैसे किससे बात करनी है। सबसे बड़ी लिसनिंग, कितना लिसनिंग स्किल तो सबसे मुश्किल है हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड वाइड आजकल देखा, कोई सुनता ही नहीं है, अपना पहले बोलेगा। लिसनिंग स्किल है, कॉन्फिडेंशियल स्किल है,
आपको स्टेज पे चढ़ना उतरना, एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, हाउ टू स्माइल, हाउ टू रिसीव वन अनदर, है ना। तो ये रिएक्शन एक्शंस जो हैं आपके सब कुछ चलते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी जो है, शख्सियत है, इसको डेवलप करता है। इस पे 4-5 साल लग जाते हैं आपको, जब से फर्स्ट ईयर में जाते हैं आपके, कैसे मिलना जुलना, रिएक्शन करना, अदब कायदा, कल्चर। कल्चर का मैं बताऊं, ये सब कल्चर में आता है। कल्चर की मैं परिभाषा हमेशा एक देखता हूँ, सुनने लायक है। कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, ये सिंचाई, इरिगेशन, एग्रेरियन इमेज है। अगर आप यू आर जो कि है अपनी भूमि रूपी जो कि पर्सनैलिटी है, आप उसकी सिंचाई कर रहे हैं, उसकी सिंचाई कर रहे हैं, उस पर खाद डाल रहे हैं, उस पर यूरिया डाल रहे हैं, उस पर पानी डाल रहे हैं, वो संस्कार होते हैं। जब अच्छी बातें सीख रहे हैं, पहले तो अपने माँ बाप से सीखता है, घर में सीखता है, स्कूल में सीखता है, लेकिन कॉलेज सबसे ऐसा पीरियड होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, जिसमें आदमी बनता है, बिगड़ता है। यहां से पिकअप, इसको कहते हैं अखाड़ा। ये अखाड़ा है, यानी एक नर्सरी है। यहीं से हम यूथ फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर ही आदमी स्किल डेवलपमेंट करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। पर्सनैलिटी अगर डेवलपमेंट होगी, यानी आदमी सीख जाता है कैसे दूसरे को भी इज्जत करनी है ना, सुनना किसको कितना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छा गाना, अच्छा बजाना, अच्छा लिटरेचर पढ़ना, ये सारी बातें अच्छी 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 तो दीज आर द ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज, मानव मूल्य है, सांस्कृतिक वैल्यू है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहीं से सीख के फिर वो पकता है इन अखाड़ों से, फिर वो आगे जाता है। आगे जब जाता है तो तरक्की करता करता समाज की तरक्की करता है, समाज से फिर वो आगे अपने देश की तरक्की करता है, देश की तरक्की करता है, फिर पूरी दुनिया में एक हार्मनी का जो मैसेज है, जॉय, पीस, लव, ये वैल्यूज जो है, इनका प्रोपोगेशन होता है। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए, यही तो एक डेवलपमेंट है, यही एक नेशनल डेवलपमेंट, जो कि हमारा योगदान यूथ फेस्टिवल। जी सर, आपने वायु और युवा की जो परिभाषा बताई, बिना किसी शर्त के मैं कह सकता हूं कि आपके एक-एक शब्द में, आप मैं यदि कहूंगा कि नाम कोट करने के लिए लास्ट में हम अंत में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि कुछ जो ऐसे नाम हैं जो युवा महोत्सव से निकले हैं, लेकिन उससे पहले क्या कोई एक ऐसा पीरियड आपको याद आता है जहां पर ये लगा हो कि युवा महोत्सव में युवाओं का इस प्रकार का रवैया शायद देश के लिए घातक भी हो सकता है? पुरस्कार ना मिलने पर, कोई यूनिफेस्ट रुक जाने पर, कोई नहीं, तकनीकी या बड़ा किसी आपका आंतरिक रेगिंदा समस्या आने सवाल है पर? और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जब इतना बड़ा कारवा हमने देखा है, सालों का, कई फेस्टिवल कराए हैं, भीड़ भड़क के होते हैं, और एक बहुत बड़ी बात जो आती है इस सारे चक्कर के अंदर, वो थी इमोशंस, फीलिंग्स, जी एहसास, सिर्फ यहीं पर केंद्रित होता है सब। क्योंकि पहले दिन जब मिलते हैं, ट्रेनों से उतरे, आए, सबको गले लगाया, दूसरे दिन सुनते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम होती है, माइक सेटिंग की ये है वो है, सब शिकायतें लेकर आ जी हमारे साथ ये नहीं वो, दूसरे दिन से सब बैठ जा, सब सेटल डाउन, सब मिलते हैं, खूब मजे लेते हैं, तीसरा दिन भी, चौथा दिन, लेकिन जब रिजल्ट आता है आखिरी दिन में, वहां इमोशंस का खेल होता है। और जो आपका सवाल है, दो चार जगह मैंने विटनेस करा कि हर आदमी को सेटिस्फाई इसलिए नहीं कर सकते, एक अनार 100 बीमार का तो होता ही, एक से एक कलाकार आते हैं। मान लीजिए आपको एक फर्स्ट ईयर और एक सेकंड ईयर, लेकिन वहां पर जजेस हमारे पास आते हैं, वो शिकायत करते हैं, साहब ये हमने 5-6 देखे जो इक्वल है, आप किसी को छोटा सा भी 0.5 पॉइंट नहीं कर सकते, आपको सबको बराबरी देना है। अब उसको कैसे तोड़े उस बात को, इस पे हमारी रातें काली होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, कई जगहों पे हम बड़ी बहसें हुई, कुछ एक जगह पे ऐसा भी हुआ लोग नाराज हुए, नाराज होने के बाद शाउटिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ, वो तो सब जगह होता है। लेकिन फिर प्यार की वो जो एक चाशनी है, उस चाशनी का मुंह में बतासा डालते हैं, फिर वो उससे वो भी समझ जाते हैं, फिर सब समझ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स इस तरीके की आई है। मैंने इस चीज को खुद एहसास किया है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर।
पंकज देख रहे हैं सर, पंकज भोते जी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो युवा महोत्सव का भाग हैं, रह चुके हैं सर। जब हम पहले दिन उतरते हैं, उस दिन से 5वें दिन तक के बीच में इंदौर के साथ, कलकत्ता के साथ, उड़ीसा के साथ, किसी और के साथ ऐसी दोस्ती हो जाती है कि सर पुरस्कार भले ही एक तरफ हो, लेकिन वो जो बिछड़ते वक्त का दर्द है, आंखों में आंसू आते हैं, लोग गले लग लग के रोते हुए हमने देखा है लोगों को कि लोग कैसे बिछड़ने से डरते हैं। और ये दुनिया की रीत है, 4 दिन आपको बहुत चीजें अच्छी मिली और 5वें दिन जब आप बिछड़ते हैं, आपको कोई सी ऑफ करने के लिए जा रहा है सर। और एक टू बी वेरी फ्रैंक, कई सारी जोड़ियां बनते हुए भी देखी है हमने, जो जोड़ियां बाद में जाकर के परिवार में भी तब्दील हो गई है सर। सही ऐसा है मैं समझता हूं इंटरव्यू में जो मुझे लुत्फ आ रहा है, ऐसे मरहले पे पहुंच गए हैं जब आपने करीबन 30-35% इंटरव्यू ले लिया है, और सबसे अहम जो सर, पूरा स्तर था बैलेंसिंग करके ये आया है सवाल। मैंने कहा था इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इसी के एहसास होता है ये, लेकिन जब वहां पर दोस्तियां कायम हैं होती हैं। आपने कई बातें बोल दी हैं छोटी सी बात के अंदर, आपने कहा कई शादियां भी हो चुकी हैं हमारे से, बहुत सारी हुई हैं, जी सर। दोस्तियां हुई हैं। और एक शेर उस वक्त बड़ा अक्सर मेरे को याद आता था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं बता दूं, जैसे एक महबूब है अपनी महबूबा से कहता है मिलते हुए, मान लो एक तमसील या उसने एग्जाम्पल दिया है, एक निशात बाग है कश्मीर का, उस निशात बाग से बड़ी खूबसूरत कलियां मैं चुनकर यार तेरे इंतजार करता हूँ, तू आएगी तेरे से मिलूंगा, लेकिन उसी वक्त डर लगता है अरे अभी बिछड़ना भी है। तो चंद कलियां निशात की चुनकर, ये शेर है, क्या बात, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे आस रहता हूं, और तेरा क्या बात, मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, और तुझसे मिलकर उदास रहता, क्या बात सर, इतना क्या खुशी बात। होती है भाई अभी मिलेंगे, 5 दिन में गले चुपटते हैं सब, जैसे कि पूरी दुनिया वही है, लेकिन जब 5वें दिन के बाद जाते हैं तो तुझसे मिलकर उदास रहता हूं, इतनी उदासी आने लगती है कि खुशी भी थी, एक आयरनी देखी, आयरनी कि मिल भी रहे हैं खुश भी हैं, तो कभी खुशी कभी गम, तो वो पिक्चर लग जाती है। और ये बहुत होता है, और कितनी दोस्तियां हुई है मुझसे, दोस्तियां हुई है कितने हमारे जॉनी फॉस्टर बैठे हैं या जितने भी हैं, तब से लेके 35 साल से हम एक ही हैं। वो पूछे क्या खाया क्या पिया, क्या कोई घर में बीमार, कोई ये, क्या खुशी की बात, कोई गम, ऐसे हजारों हैं, सबको बांध रखा है ये, इससे बड़ी दौलत आदमी को क्या मिलेगी। जी सर, सर इसलिए ये सवाल आया क्योंकि हम भी जाते थे, भले ही दुबले पतले लेकिन अच्छे दिखने वालों में तो होते ही थे, भाषण अच्छा देते थे सर, तो प्रपोजल ऑब्वियसली आता ही था। और प्रपोजल ऐसे यूनिवर्सिटी, अच्छा सर उस समय ये मोबाइल और आदि चीजें थी नहीं, तो अब भैया संपर्क रखा कैसे जाए, तो वो संपर्क रखने के स्रोत नहीं थे सर उस वक्त, वरना शायद आज बिल्कुल आपकी सर, बहू भी थी सर। उस वक्त हाँ संपर्क रखने के स्रोत नहीं थे, मोबाइल और आदि चीजें नहीं थी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो लोगों को जुड़ने में काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब प्यार की बात भी हो गई है, इकरार और इजहार की बात भी हो गई है सर, तो क्यों ना आपका जी एक ऐसा गीत जो आपने खुद कंपोज किया हो, आपने खुद उसे संगीतबद्ध किया हो, एक ऐसा गीत सर जो आपकी पसंद का हो। चलिए मैं याद करता हूं। ये एक ऐसी गजल थी जो इसका म्यूजिक मैंने कंपोज करी और बड़ी चली, जी सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, और क्या बात है गैर से सर, वाह क्या मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है दर्द का बहाना है, तो बात है सर, जोश जोश मैलाबादी, मैलाबाद के रहने वाले हैं, के जोश मैलाबादी साहब का एक कलाम है बड़ा मशहूर, लेकिन म्यूजिक मेरा है इसमें खूब अच्छा है, और ये मेरा ही है इसलिए क्योंकि आपने कहा कि अपनी कंपोज जी करी। सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है,
सुनिया है सब जो तुम्हें सुनाना है, घर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, सुन लिया है सब मैंने है जो तुम्हें सुनाना है। इसका मक्ता मैं पेश करता हूं। मक्ता का मतलब यह है जो शायर ने लिखा है। तो जोश साहब क्या कहते हैं? जोश अब तो आ जाओ जिंदगी की बाहों, जोश अब तो आ जाओ जिंदगी की बाहों, आज का हंसी प्रोग्राम, ये आपके प्रोग्राम के लिए गा रहा हूं, आज का हंसी प्रोग्राम बड़ा आशिकाना है, सुन लिया है सब जो तुम्हें सुनाना है, घर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, सुन लिया है सब मैंने है जो तुम्हें सुनाना जी। सर क्या बात है, बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत उम्दा सर। आज आज कई सालों बाद यानी 2014 के बाद आज ऐसा महसूस हो रहा है, मैं दोबारा किसी युवा महोत्सव में रात के वक्त बैठ करके दोस्तों के साथ वो महफिलें सजा रहा हूँ। समझ लीजिए अब युवा महोत्सव ही हो रहा है इस वक्त। सर विषय को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और मुद्दे पर आते हैं कि नेशन डेवलपमेंट, आज के जो युवा हैं, आज का जो यूथ है सर, लॉकडाउन शुरू है, करीब 13 करोड़ के आसपास नौकरियां जा चुकी हैं, और ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि विश्वविद्यालयों की, शिक्षा संस्थानों की ऐसी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनकी जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि वे युवाओं को संयमित कर सके, धैर्यवान या पेशेंस उनके अंदर ला सके? जी रवि शुक्ला जी, मैं ये समझता हूँ, ये मेरे दिल की बात है जो आपने बोली है, और काश ऐसा सब समझे। हमें सब पता पेंडेमिक दौर के अंदर जो COVID-19 में पूरी दुनिया थर्राई हुई है, और हर आदमी जो है वो अपने घर में कैद है, और उस पे लोग जो हैं कंफ्यूजन में हैं, एक्साइटमेंट में हैं, कब रिजल्ट आए, कई इंजेक्शन कुछ बन जाए, वैक्सीन निकल जाए, कोई दवाई बन जाए, कुछ ना कुछ, लेकिन इंतजार कर रहे हैं सब, लाले पड़े हुए लोगों को, मजदूरों को देखा, उनका देखा, लेकिन यहाँ युवाओं को लेते हुए मैं कहूंगा, क्योंकि मैं यूथ स्टडीज में मेरा ज्यादा यूथ सेंट्रिक प्रॉब्लम में रहा है, तो युवा जो है फॉर्मेटिव एज के, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, होते हैं उन विचारों का, उनका तो घूमना फिरना अच्छा, पढ़ना लिखना गाना बजाना पॉजिटिविटी के साथ, कुछ अच्छा ही अच्छा मिले तभी होता है, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा प्रेशर डल गया है। इसके अंदर विश्वविद्यालयों या दूसरी भी हमारे चाहे स्कूल है या कॉलेज है, सबकी योजनाओं में भी फर्क पड़ गया है, कब इम्तिहान होंगे, कब टीचर्स, कब क्या, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो उसके ऊपर एक जो बड़ा पॉइंट जो है, जिस तरीके से आप आज इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की कृपा से रहा कि अगर ये ऑनलाइन का साधन नहीं होता, जो कि अभी कुछ ही 2-4-5 सालों के अंदर पुख्ता हुआ और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा ही हो गया, ये भी नहीं होता तब तो बिल्कुल ही अंधकार में थे। तो आज मेंटल हेल्थ, दिस इज द फ्रेज, मेंटल हेल्थ, ये एक सबसे बड़ा विषय है मेरे साथ, हर एक आदमी का है, लेकिन युवाओं का और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या करें, युवाओं को बांध के रखना है, नहीं रखेंगे तो फिर वो नेगेटिविटी में जाएंगे पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव करने के लिए ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसे प्रोग्राम चलने, चाहे वो ऑनलाइन हो
चाहे वो म्यूजिक के हों, डांस के हों, थिएटर के हों, एजुकेशन के हों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हों, लेकिन उसको इस तरीके का इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि वो फीके ना लगे, एक ऐसा लगे कि यूथ अपने आप ही उस पर बढ़ के हिस्सा ले। ये मैं कहना चाह रहा हूं, प्रोजेइक या एक ड्राई प्रोग्राम वन साइडेड ना हो कि सोच लिया जी ये करना है वो, नो। युवा क्या चाहते हैं सबसे पहले ये देखिए, कोई डांस करना चाहता है, कोई गाना चाहता है, कोई लेक्चर देना चाहता है, कोई स्किट परफॉर्म करना चाहता है, उनको जोड़िए, उनका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और जब मेंटल हेल्थ होती है, क्योंकि मैंने इस तरीके से शुरू में बताया कि हमारा देश युवा देश है, हमारा देश जो है इस पे युवाओं की जो है जो सबसे बड़ा डिविडेंड है हमारा युवा है, उनको अगर हम संभालते हैं तो विश्व के अंदर हम नंबर वन हैं ही और छाते जाएंगे। तो एक मेंटल हेल्थ को संभालना सारे विश्वविद्यालयों कॉलेजेस का इस वक्त फर्ज बन रहा है। ऐसे प्रोग्राम बनाए, ऐसे थिंक टैंक क्रिएट करें जो कि ऐसे लोग हैं जिनकी वो थोड़ी सी सिफारिशें लें, रिकमेंडेशंस लें, उनसे सोच विचार करें कि क्या किया जा सकता है यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मेंटली उनको बड़ा अलर्ट रखा जाए, ताकि हमारे घरों के अंदर एक नई शम्मा का आगाज हो, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर यहाँ से एक ऐसा संदेश निकले पूरी दुनिया के कि भाई हम इस अवस्था के अंदर भी जो पेंडेमिक चल रही है महामारी, हम इसको बिल्कुल इसका सामना करेंगे और जल्द ही आशा की किरण लेके वो जमाना जल्द आएगा, मैदान में फिर से उतरेंगे, फिर से गले मिलेंगे। तो अभी तो बड़ा मुश्किल है, जैसे कि एक शेर याद आ गया आज के इस युग में, क्या बात, फासले फासले ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था, और सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। और इसमें एक और बात सुन लीजिए कि खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के मास्क, कह लो मास्क लगा के घूम रहे हैं, खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ या मास्क, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना ना था। और क्या बात ऐसे है? भी ये कभी सोचा ना था, सामने ऐसा योग आ गया कि घर में बैठे बैठे हम दूर से ही बात कर रहे हैं, दूसरे को गर्म जोशी रही नहीं, तो इस अजनबीपन को भी दूर बड़ी जल्दी करेंगे। मेंटल हेल्थ बस हमारे पूरे कंट्री की सही होनी है और वो होगी। सर मेंटल हेल्थ की जो आपने बात की, सबसे मेन मेरे ख्याल से वही है कि यदि हमारी मेंटल हेल्थ बराबर है तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे और जितने लोग जुड़े हुए हैं, पहले मैं एक डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी हैं सर देहरादून से हैं, उनका एक सवाल था। उनका सवाल ये है कि पहले तो उन्होंने आपको आदाब किया है, सो उनका सवाल ये है कि वो पूछना चाहती हैं कि आज की परिस्थितियों में सामान्य जीवन के लिए भी संघर्ष करते युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा क्लियर कट बात यह है कि पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस ये बना के रखना है, और ये देखना है कि जैसे कहा जाता, मैं अक्सर अपने घर में भी बच्चों को भी बोलता हूं कि एक स्टेटमेंट दी गई थी कि दिस शैल ऑल्सो पास अवे, यानी कि ये भी गुजर जाएगा। बड़ा मुश्किल है सोचना, लेकिन ये समझिए दिस शैल ऑल्सो पास अवे, ये भी पार हो जाएगा। दुनिया में बहुत पुरानी दुनिया है, हर 100 साल में पेंडेमिक आई है, इस बार भी आई है। अब तो रिसर्च और साइंटिफिक हमारे तरीके तौर तरीके और तेज हो गए हैं, जल्दी हो जाएगा। हमारी नेशन की एक अच्छी लीडरशिप है, पूरे कंट्री में बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, यूथ हैं, सब हैं, सोच के सब सामूहिक तरीके से हम एक ख्वाब देख सकते हैं जिसकी ताबीर हो जाएगी कि बड़ी जल्दी ये समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ को हम कम से कम अकेले बैठ के ना कॉर्नर में बैठे रहें, एक दूसरे से मिलें, अच्छा संगीत सुने, अच्छे लेक्चर सुने, और बातचीत का सिलसिला ऑनलाइन पे जैसे वेबिनार चल रहे हैं आजकल, सब कुछ हो रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं, इनका होता रहे। और जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम कराया है मुझे लेके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसी तरीके से कितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी आप इंटरव्यूज, ताकि एक श्रृंखला बन जाए
इस प्रोग्राम को जैसे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री करके चलाते रहिए हर वीक में, तो अपने आप एक चेन बन जाएगी और लोगों में मेंटल लेवल का जो हेल्थ का सिलसिला है बरकरार रहेगा, और अच्छी बातें जो मैं नहीं सोच पाया हूं अभी वो शायद इस पे क्रिएटिविटी के साथ जोड़ के और अच्छी बातें बताए। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या नेशन डेवलपमेंट में बड़े शहरों के अलावा छोटे शहर या कस्बों के गांव के युवाओं की भी उतनी भूमिका आप मानते हैं? मैं तो समझता हूं सबसे ज्यादा वही होता है, क्योंकि तो सर देश जो है हम लोग बैठ के मेट्रो सिटीज के अंदर देखते हैं कि दुनिया वही है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गांव कस्बे हैं, तहसीलें हैं, वो है असली हमारा जो देश है। वहां पर देखिए, वहां पर जब हम किस्से कहानी सुनते हैं, आजकल के सोशल मीडिया पे जब उनकी बातें सुनते हैं, उनकी शब्दावली को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, तो हक्के बक्के रह जाते हैं हम कि हम तो अपने को बहुत छोटा समझते हैं। भी इतने ऊंचे ऊंचे विचारों के लोग हैं जो सोशल मीडिया से मेरे को सुनाई में देता है, तो उनका रोल बल्कि और ज्यादा बन जाता है, क्योंकि जो ज्यादा जमीन उन्होंने ले रखी है, ज्यादा पॉपुलेशन उधर है, उधर क्रिएटिविटी भी बहुत है। लेकिन इनका और हमारे मेट्रो के यूथ का पारस्परिक कोई ऐसा माध्यम जरूर होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, कि वो आपस में एक दूसरे जुड़े। तो जिस तरीके स्टूडेंट यूथ हो गए, रूरल यूथ हो गए, दोनों को इकट्ठा लेके ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइज किए, इकट्ठे होके एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, तो ये दूरियां जो है ये अपने आप ही नजदीकियों में बदल जाएगी और सबका एक सामूहिक विकास होगा, हमारा देश बढ़ेगा। जी सर इसी को लेकर के मैं इसको दो तरीकों से आपको जोड़ दूं, शहरों और गांव के बीच का ब्रेन ड्रेन और देश और विदेशों के बीच का ब्रेन ड्रेन, आपको नेशन डेवलपमेंट के अंदर कहां पर ऐसा घातक महसूस होता है कि ये जो ब्रेन ड्रेन की प्रक्रिया है युवाओं का, जो इस शहर इस देश से इस गांव से शहर में और शहर से विदेश चले जाना, क्या ये नेशन डेवलपमेंट में राष्ट्र के निर्माण में कहीं बाधक लगता है आपको? देखिए, एक सोच आपके सवाल की अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस जिसको कहते हैं बाय नेचर, हर शख्स जो है वो प्रगति चाहता है। अब हम उसको फिलोसफाइज करके कि भाई नहीं तुम्हें यहीं पर ही बैठना है, ये तुम पैदा हुए हो यहीं पर ही करना है, ये करना है वगैरह, इफ आई एम वेरी ट्रूथफुल, ये मैं गलत हूं वो अलग बात हो सकती है, मेरी जो अंतरात्मा है वो ये है, हर आदमी बाय नेचर चाहता आगे बढ़े, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज अच्छी से अच्छी चाहेगा, जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज जो है उसके नगर का ही हो वो ही बढ़िया है, या यूनिवर्सिटी उसके राज्य में हो वो ही बढ़िया है, तो बेहतरी चाहता है हर आदमी अपनी इंडिविजुअल। उसी तरीके से दो सवाल जो आए, तो गांव से शहर की तरफ तो वो तरक्की के लिए अपना आता है, बेशक एक रूप में खराब भी लगता है कि भाई गांव छोड़ के जा रहे, लेकिन उसकी प्रोग्रेस करनी है, उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसने साइंटिस्ट बनना है, उसने बड़ा कलाकार बनना है, तो उसके लिए जाना ही पड़ता है। उसी तरीके से ब्रेन ड्रेन की जो तो समस्या आप कह रहे हैं, हमारे देश से जो है पिछले करीबन 30-40 सालों से लेकर अभी तक लगातार विदेशों में जाते रहे, जो बात गलत भी लगती है, IITs के पढ़े हुए या दूसरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए, पैसा यहाँ का लगा है, सब कुछ लगा है, जा रहे हैं उदाहरण करने, एक वो दृष्टिकोण है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर आदमी अपनी प्रोग्रेस को ढूंढता ही है, आपको भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद आप भी कहीं देहरादून में अगर हैं, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप कर जाएंगे, तो इसके देखने का परसेप्शन है, केवल दृष्टिकोण है ना, तो आपके दृष्टिकोण में क्या है। खराब तो लगता है कि हमारे गांव से युवा इधर आ रहे हैं, या हमारे इधर से युवा जो है देश से देश जा रहे हैं, सब अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, पूरी दुनिया, मेरा तो यही मानना है, मैं गलत हूं तो माफ कीजिएगा, ये मेरी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है, इसको पूरी दुनिया ग्लोब एक है, छोटा गांव है, पूरी दुनिया में आना जाना है, लेकिन अपने नगर से, अपने फैमिली से, अपने कस्बे कल्चर, अपने तहसील, अपने देश से प्रेम सबसे पहला हो, ये तो है ही।
इस पे कोई दो राय नहीं, उसके मद्देनजर रखते हुए अपने देश को कभी ना भूलें, क्योंकि जहां की मिट्टी में आप पैदा हुए उस मिट्टी का सबसे पहला हक बनता है कि वो आपकी हो और आप उसके तभी हो। तो ये एक नजरिया जी, क्योंकि देश के निर्माण या राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका सर युवाओं की है, और जिस तरीके से युवा आज हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं, आज तादाद जो युवाओं की है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हमारे देश की है, और ऐसे वक्त में सबसे अधिक दारोमदार हमारे देश को युवाओं पर है, और यदि युवाओं की बात आती है तो उसमें विश्वविद्यालय का योगदान सबसे बड़ा होता है, और भारत के भीतर मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर सैमसन डेविड के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कि युवाओं पर सबसे अधिक अनुभव रहा हो। मैं इसको मेरी प्रतिक्रिया ऐसी कोई नहीं रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यूथ लीडर्स हैं हमारे कंट्री में, बहुत अच्छे। और लेकिन हाँ, इतना जरूर आपकी बात में दम और सपोर्ट करना चाहूंगा कि बहुत कुछ करना है विश्वविद्यालय के स्तर के ऊपर, और हमारी जो हुकूमतें आती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव या निजामत होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को देखते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से, एक तो होता है ड्राई लुक दे दी, और वो अक्सर होता है क्योंकि मैं इसमें रहा हूं अंदर तक, किसी उनसे बात करो आप संगीत की तो मुंह फेर लेते, उनको लगता है यार बड़ी हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास केसेस। उनसे बात कर लो यूथ लीडरशिप कैंप की, उनसे बात कर लो यूथ फेस्टिवल की, उनके मुंह से ये निकलता है ओए ये तमाशे कर रहे हो आप, दीज आर द वर्ड्स। ऐसी अंडरस्टैंडिंग अगर, ऐसे बहुत सारे हैं जैसे हैं, उनके परसेप्शन दिमाग दृष्टिकोण को चेंज जब तक नहीं करेंगे, और जब तक वो सोचते हैं चेंज होते हैं तो तबादले हो जाते हैं। तो ये एक निजामत और पूरी प्रक्रिया का जो है प्रोसीजर जो है इसमें बड़ा फॉल्ट है ही। मैं खुल के इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैंने सब देखा है और ये लाजिम है इस वक्त खुल के बात करना। जी सर, रितेश तिवारी हमारे साथ में बने हैं, 12वीं कक्षा में है, अगले साल विश्वविद्यालय में जाने वाले हैं। मैं उनका एक सवाल ये है कि जो भी विश्वविद्यालय या विद्यालय हैं जो किताबी ज्ञान पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और आप युवा महोत्सव से संबंधित हैं, तो आप किताबी ज्ञान और युवा महोत्सव के बीच जो प्रतिभाएं निखरती हैं दोनों के बीच में समन्वय मानते हैं, या दोनों में से कोई एक चीज भी आपको आगे ले जा सकती है, या परिवार वाले सही हैं कि किताब पढ़ो डिग्री लाओ नौकरी आपको तभी मिलेगी, ऐसा है? ये जो बात आपने कही ये अभी तक सोचा जाता था, पिछले 4-5 सालों में या 6-7 सालों में बल्कि मैं कहूंगा, मेरी अपनी स्टडीज ये कहती है कि दिमाग चेंज हुआ है, पेरेंट्स चेंज हो गए, माँ बाप चेंज हो गए। पहले के माँ बाप बिल्कुल ये कहते थे पैर बैठिए, बिल्कुल मैदान में नहीं जाना, म्यूजिक नहीं सुनना, फिल्म नहीं देखनी, ये आज से 20-25 साल पहले तक तो था ही, उसके बाद पेरेंट्स चेंज हो गए। अब पिछले 5 साल के जो पेरेंट्स आए हैं वो इनकरेज कर रहे हैं, अरे हमारे बेटे को तबला सिखा दो, हमारे बेटे को माइम सिखा दो, उसको क्ले मॉडलिंग सिखा दो, उसको लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसको क्राफ्ट सिखा दो। यानी कि अब परसेप्शन चेंज हो रहा है, और आज के दौर में जो है बहुत फास्ट एक चेंज आ रहा है। किताबी शिक्षा जो है अब वो, मैं अगर सख्ती से बोलूंगा तो शायद दूसरे रिस्पेक्ट ना करें, 50% रह गई। आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ये सब जो है तकरीबन 50% तक तो आपका ठीक है जी। लेकिन उन्हीं अगर आप सोचते हो वही अगर किताबी नॉलेज ही काफी होती है, इम्तिहान पास कर लिया 99.8 लिया है या 100 में से 100 लिया है और बाकी वो मैदान में लाके खड़ा कर दो, वहां पर बोल नहीं पा रहे, शर्म से मुंह कोई पूछ रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आवाज में दम नहीं है, खड़े होने का पता नहीं है, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू फील, हाउ यू रिस्पॉन्ड, ये बातें नहीं है, ये स्किल मानी जाती है। ये अगर नहीं है आप पे तो मेरे हिसाब से
अगर आपके 100% भी आ गए हैं तो फॉर मी यू आर ओनली 50%। कहने का मतलब ये है 50% आपकी बुकिश लैंग्वेज ये जो नॉलेज 50% आज के युग में, और ये अब ये 60 ना हो जाए कुछ दिनों में, आप जी मार्केट में कैसे बिहेव करते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। आप अगर किताबी नॉलेज नहीं है आपकी, लेकिन आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, अच्छा एक्शन दिखाते हैं, अच्छे तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ करते हैं, वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं आप लोग। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आज की तारीख में मेरी स्टेटमेंट यही है कि 50% आपकी बुकिश लैंग्वेज भी जाए और 50% अदर देन जो दूसरी स्किल्स हैं वो साथ ही चलनी चाहिए, तभी आपका सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी सो वो होता है। जी सर आगे बढ़ने से पहले सर पता नहीं लोग जानते हैं या नहीं, जॉनी सर और मैं तो पक्का जानते हैं कि मोहम्मद रफी को सुनना आज तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन आपके मुख से, आपके मुखारबिंद से और आपके द्वारा मोहम्मद रफी को सुनना हमारे लिए सौभाग्य अच्छा। की बात होगी। अरे देखिए इस वक्त तो अगर आपने जैसे अचानक से पूछ लिया तो मैं समझता हूं कि एक बार रफी साहब से पूछा था किसी ने कि रफी साहब ये बताइए एक बार कि आपका अपना पसंदीदा आपने हजारों गाने गाए कौन सा है। तो बड़ी देर तक सोचते रहे, बढ़िया गाने हैं भाई। कोई आज से मुझसे भी पूछे कि भाई आपको सबसे अच्छा कौन लगता है यूथ फेस्टिवल में, तो उन्होंने कहा कि भाई एक 1949 में उन्होंने गाना गाया था सुहानी रात ढल गई न जाने कब तुम आओगे, ये उन्होंने नौशाद साहब के कंपोजिशन में गाया था। मैं उसको गुनगुना देता हूँ, लाल पहाड़ी पे है सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, रात ढल चुके ना जाने तुम कब आओगे, जहां के रुत बदल चुके ना जाने तुम कब आओगे, रात ढल चुके ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियां लुटा लुटा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी दिखा दिखा के सो गए, हर एक ना जाने तुम कब आओगे, रात ढल चुके ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है सर, वाह बहुत बहुत उम्दा, यानी सही रूप में हमारा इंटरव्यू और चर्चा और बाकी चीजों के साथ साथ इस प्रकार की चीजों से मुझे लगता है लोग भी बंधे रहते हैं और हमको भी थोड़ा सा आनंद आता है। जी 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 सर एक सवाल ये है कि यूनिफेस्ट की आप लोगों ने आपने एक यूनिफेस्ट फैमिली बनाई है सर। जी 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 उस यूनिफेस्ट फैमिली के पीछे उसे बनाने का मकसद, उसकी स्थापना या उसे एक दिमाग में विचार लाने के पीछे क्या उद्देश्य है सर, या उसकी फ्यूचर क्या क्या चीजें आप सोच रहे हैं उसमें, उसकी फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं।
देखिए ये एक आजकल के सोशल मीडिया पे कई तरीके का है, तो एक व्हाट्सएप है जो उस पर हमने ग्रुप बनाया 6 साल पहले, तो जी इसपे यूनिफेस्ट यानी यूनिवर्सिटी फेस्टिवल के जितने भी पुराने लोग हैं, चाहे वो अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे या जजेस थे, एक्सपर्ट्स थे या टीम मैनेजर्स थे या डीन स्टूडेंट वेलफेयर थे वगैरह वगैरह, या अकाउंटेंट्स थे, उनमें से जो भी इसमें शामिल होना चाहते थे, तो इस ग्रुप के अंदर उनको 6 साल पहले शामिल किया और इसमें जुड़ते रहते हैं। तो तकरीबन 254 लोग इसमें अभी जुड़े हुए हैं, जो कि सुबह से रात तक अपना एक्सचेंज करते हैं, अपने क्या गाया उन्होंने, क्या बजाया, या किसी का सुना हुआ, या कभी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किसी का हो रहा है, या वेबिनार हो रहा है, या कोई अच्छी बातें जो कि कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उस ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं। और वो जी एक अच्छी तरीके से जिंदा रहने का वो हमारा वो है, तो अच्छा अच्छी जिंदगी बिताने का हमको लुत्फ आता है। और इसके फ्यूचर प्रोग्राम्स हमने अभी जैसे गुलदस्ता प्रोग्राम करा, उसपे वैरायटी शोज हमने करे ऑनलाइन, उससे पहले हमने और करे, अब आगे के जो प्रोग्राम है हम जैसे एक नेशनल मुशायरा करना जा रहे हैं, एक वैरायटी कल्चरल प्रोग्राम करने चाह रहे हैं, डांस फेस्टिवल है, इस तरीके के जैसे डिबेट भी हो सकती है, जैसे आप डिबेटर रहे हैं अपने यूथ फेस्टिवल के, तो एक डिबेट भी कर सकते हैं, तो ऐसे हमारे फ्यूचर चलते रहे। तो ये सब सामूहिक रूप है जो लोग चला रहे हैं, मैं साथ साथ उनके। जी सर, आज की तारीख में लोगों को जोड़कर रखना सबसे कठिन काम है सर, क्योंकि आज जुड़े रहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी पर किसी ना किसी विचार का और विचारों की लड़ाई का, क्योंकि सोशल मीडिया आप देखते हैं सर। मैं हाँ ये सवाल है मेरा कि युवाओं के दिमाग पर सोशल मीडिया का कितना असर पड़ता है? ये तो आज की डेट में सबसे खास सवालों में से एक सवाल के, मैं तो इस पे रात दिन जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वो हद हो गए हैं, जिसकी वजह से एक हमारा बदुआ ये भी हो गई है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, जो हमारी जी अप्रिसिएशन फॉर वन अनदर, रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कम्युनल हो, इन चीजों को अप्रिशिएट करना एक दूसरे को, सबसे बड़ी मानवता वो ही होती है हमारे, कि दूसरे को समझे। आप ये देखें कि यू आर नॉट द फाइनल थिंग, कि आपने सोच लिया जो जो आप जिस धर्म के हैं, जिस सोसाइटी के हैं, जिस बैकग्राउंड के हैं, कि आप ही नंबर वन है, आप सुनना ही नहीं चाहोगे, सबसे बड़ी फॉल्टी आपकी पर्सनैलिटी है। जब आप सोचते हैं भाई अगला आदमी कुछ कह रहा है, सो सोशल मीडिया पे आजकल ये जो दिखता है कि किसी को बर्दाश्त ही नहीं करना है, किसी की लैंग्वेज आप देखेंगे बड़ी गंदी तरीके की देते हैं, हमने कभी ऐसी नहीं लैंग्वेज ना सुनी ना इस्तेमाल करी जो आज सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो ये कुछ बदवाएं या कर्स हैं जो बेन है, इट इज नॉट अ बून फॉर आवर सोसाइटी, जिस पे अंकुश लगना है, और इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऐसे करने हैं, चाहे ऑनलाइन यूथ को सिखाने के लिए, कि अपनी मृदु भाषा हो, कि आप गुड़ ना दें, गुड़ जैसी बात तो करते है ना, करेक्ट। हाँ, तो अच्छी लैंग्वेज बोलें, बर्दाश्त करें एक दूसरे का भी, आप अप्रिशिएट करें, अप्रिसिएशन फॉर वन अनदर, हमारे कल्चर की, कल्चरल वैल्यूज की बड़ी विशेषताओं में से भारत की ये रही है कि अप्रिसिएशन फॉर वन अनदर, आप दूसरे की लैंग्वेज, पहनावा, खाना पीना, हर चीज को, सेंटिमेंट्स को आप अप्रिशिएट कीजिए। और यही यूथ फेस्टिवल में हम सबसे बड़े एक हमारे जो कार्डिनल ऑब्जेक्टिव में से एक ये है कि हम जब इकट्ठे बैठते हैं, कोई किसी ने फला ड्रेस पहन रखा है, फला तरीके का खाना, फला तरीके की लैंग्वेज बोल रहा है, सबको अप्रिशिएट कीजिए कि यही तो फूल हैं बहुत सारे मिलके जो गुलदस्ते का रूप बनाते हैं। तो बहुत बहुरूपी एक तरीके से हमको देखते हैं, तो बहुआयामी जो है हमारी, यही प्रतिभा जो निकल के निकलती है और प्रतिमा बनती है बल्कि इनसे खूबसूरत, तो ये है सारा सोशल मीडिया जी से सर, मामला। दरअसल सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि आपको एम्बेसिडर माना जाता है हार्मनी और पीस के लिए, और यदि आप अपने विचार इस विषय पर रखते हैं कि आज रिलीजियस या पॉलिटिकल अप्रोच के कारण या आइडियोलॉजी के कारण सोशल मीडिया पर, मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ,
यदि मैंने किसी की आइडियोलॉजी को नहीं माना तो मुझे ब्लॉक कर देगा जी, या मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। ये जो चीज चल रही है, आपको क्या लगता है सर कि ये कितनी एकदम एक 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 कोट में चाहूंगा मैं कि ये क्या फ्यूचर लेकर के जाना चाहती है? देखिए कई बातें कही जा सकती हैं। तो पहली बात तो मैं ये इट्स अ स्टिग्मा, ये ब्लॉट है, ये कलंक है। और सोशल मीडिया का जो रूप अभी पैदा हो रहा है इस पे सिंसियरली बहुत कुछ सोचना है आज की तारीख में, कि हमारा एक वर्ड बोला जाता है टॉलरेंस या सहिष्णुता, बर्दाश्त करना, ह्यूमन क्वालिटी के अंदर एक देखा जाए पर्सनैलिटी के अंदर विशेषताओं में खसूसियत में ये एक वर्ड है जो कि टॉलरेंस जो चुनी है, सहिष्णुता हमारे कंट्री की यही रही है। आप देखेंगे हमारे देश का जो इतिहास है पिछले कई बीसी से अगर देखा जाए तो लोग आए यहाँ पे बर्बरता के साथ आए, मार धाड़ लूट के जा रहे थे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं चाहे वो ग्रेशन 326 में सिकंदर आजम आए, वो अपने सिपाहियों को छोड़ गए, वो यहाँ से गए नहीं। उसके बाद कई लोग आए, हुन आए और मंगोल आए, फिर ये हम देखते हैं आपके मुगल्स आए, जो जो आए वो यहीं पर सिमट के रह गए क्योंकि इसे कहते हैं ना एसिमिलेशन, यहीं पर ही जम गए रम गए। वो क्यों? क्योंकि हमारे देश की सहिष्णुता टॉलरेंस रही है, मिठास रही है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यहीं के रही है। ये सहिष्णुता पुराने लोगों में तो है अभी भी, लेकिन आजकल के सोशल मीडिया जो सिखा रहे हैं कि कुछ भी बोल दिया, ये बहुत खराब बात है। मैं देखता हूँ 60-60 लोग साल के लोग जो हैं यूट्यूब पे या दूसरी जगहों पे सोशल मीडिया पे जो भाषण देते हैं या बोलते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, क्या लफ्ज उनके मुंह से उनके बहन, उनके बेटे, उनकी बीवी, उनके समाज के लोग सुनते हैं, ये खराब है। तो इसलिए टॉलरेंस बर्दाश्त की बातें कहनी, मैंने जिस तरीके से कहा कि आप ऐसी बात कीजिए के कूल झड़ रहे हैं जैसे, तो एक शेर मेरे को याद आ गया यहाँ पे, ऐसी पर्सनैलिटी बनाइए कि जिस तरीके से फैज अहमद फराज ने कहा है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, यानी कि उसको देखते क्या हैं, इतना खूबसूरत आदमी है, तो कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं तो सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, कितना अच्छा आदमी है, और सुना है जब वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, चलो यूं है तो उससे कुछ बात करके देखते हैं। ऐसा बनिए कि लोग खुद ब खुद आपसे बात करें, अरे शायद आपको अच्छे लफ्ज सुनाई दें, टोन टेनर कैसी टोन है आपकी बातचीत की, टोनल क्वालिटी कैसी है, कितनी शब्दावली है, कितनी मिठास है, प्यार है, तो सुना जब वो बात कहे, जब वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, चलो यूं है तो उससे बात करके देखते हैं। तो ये ऐसी भाषा हो, ऐसी बातचीत हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगला सवाल ये है कि रोल ऑफ यूनिफेस्ट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप क्या मानते हैं? रोल ऑफ यूनिफेस्ट, जी सर, टोटल मकसद जो पूरी भूमिका जो है हम अभी बातचीत जो कर रहे हैं, यूनिफेस्ट यानी कि यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल्स जो होते हैं, इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, कई ऑब्जेक्टिव में से वो यही है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सर्वांगीण रूप से आपका जो मस्तिष्क के लेवल से लेके आपका आध्यात्मिक से लेके, फिलोसफी से लेके, शारीरिक से लेके, हर चीज का पहलू उस पर काउंट होता है, क्योंकि अगस्त से लेके फरवरी हर साल आप उसमें इतना रम जाते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कि आप एक ही तरीके से, जैसे अर्जुन का एक तीर पे निशाना उसकी आंख पे था मछली का, वैसे ही सोचते हैं यूथ फेस्ट में जाके हमें कैसा भाव दिखाना है, किस तरीके का बिहेवियर होना है, किस तरीके सीखना है दूसरों से, सिर्फ प्रदर्शन। ये मैंने बड़ा देखा कि लोग बड़ा सोच के, अरे मैं तो फर्स्ट आऊंगा, मैं सेकंड आऊंगा, ये जब वहां जाते हैं तो पता चलता है, वहां पर एक से एक धुरंधर, तो पता चलता है कि यार
यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो सीखने को मिलता है, तो एक सीखने के, तो ये एक रोल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे यूनिफेस्ट से यहीं से पैदा होता है। तो हम सीखते हैं और जब सीख जाता है आदमी तो वो सीखा हुआ सिख कहलाता है। सर मेरी नजर में जो यूनिफेस्ट है या जितने भी युवा महोत्सव होते हैं वो एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है, जहां से देश का राजनीतिज्ञ निकलता है, कलाकार निकलता है, समाज सेवी निकलता है, एक्टिविस्ट निकलता है, अलग अलग प्रकार के कला से भरे हुए लबरेज लोग वहां आते हैं। और ऐसे लबरेज लोगों में से आपको कौन से ऐसे चेहरे या ऐसे नाम याद आते हैं, विवेक ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, ऐसे नाम कौन से हैं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे उन्हें पता चले कि यूनिफेस्ट आखिर है क्या। ऐसे नाम का जिक्र करें सर जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। देखिए बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि मैं जितने बोलूंगा शायद उससे ज्यादा छूट जाएंगे, तो मैं जी दो चार ही नाम अभी, जो जैसे आशुतोष राणा जी लगातार 4 साल तक आते रहे, कुणाल हेमू है, दिव्या दत्ता है, विवेक ओबेरॉय है, आपके ये जो कपिल शर्मा है, ये सुगंधा जी मिश्रा है, भारती है ना, और तो इस तरीके के जितने भी, और हमारे अगर साउथ में जाएं तो ये डी कन्नन है जो प्रोड्यूसर फिल्मों के बने हुए हैं, उसी तरीके से आप पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो बड़े बड़े लोग इससे निकले हैं, बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, बड़े म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे थिएटर के लोग हैं, बहुत लिटरेचर के हैं, बहुत से जो हैं आजकल मीडिया में, जो सिनेमा जगत पे, जैसे अजीत राय जो है वो सिनेमा जगत के टॉप के नाम माने जाते हैं, जैसे एक सुबोध गुप्ता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट के उसमें शायद नंबर 5 नंबर में शायद उनका भी होगा, जो सुबोध गुप्ता बहुत बड़े एक आर्टिस्ट में हैं अभी हैं जो, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं याद कर रहा हूँ, तो बहुत सारे हैं ऐसे जिनको आप इंस्पायर कह सकते हैं कि दे आर इंस्पायरिंग फिगर। सर यूनिफेस्ट से मुझे एक चीज मिली जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और जो देख रहे हैं। मैं अमृतसर से होते हुए सर जम्मू जा रहा था। जिस ओके ट्रेन में मैं था उस ट्रेन में सर जो पेंट्री होती है, पेंट्री कार नहीं थी। अब मुझे भोजन ओके चाहिए था, परिवार साथ में था, तो कभी कोई अमृतसर के दोस्त एक बन गया था, अमृतसर यूनिवर्सिटी से उसने पार्टिसिपेट किया था, उसका नंबर हाँ मेरे पास था। मैंने उसे कॉल अच्छा किया, यार भोजन की जरूरत है सर, वो घर से भोजन बना करके लाया था। देखिए, ये एक जो आपके लिए अद्भुत बात बनी गई, लेकिन ये एक मेरे लिए बड़ी साधारण बात, इसलिए क्योंकि मैं अक्सर देखा है ट्रेन से, विशेषकर अगर आप नागपुर की बात कर रहे हैं, आपके टीम के मैनेजर प्रोफेसर अरुण पाटिल तो इस पे बड़े मशहूर रहे हैं कि कभी पंजाब से टीम कालीकट जा रही है या कहीं जा रही है तो पहले से लोग उनको फोन करते थे कि भाई दूसरे दिन ट्रेन पहुंच रही है, तो वो हल्दीराम के पैकेट बना के जो है उनके पास खाने का दे देते। ये एक छोटी सी मिसाल, सबके एड्रेस एक दूसरे पास रहते हैं, स्टेशन पे लोग आते हैं, मिलने आते हैं, चाय के प्याले के ऊपर बातचीत होती है, या खाना देते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं, तो जो आपने पेंट्री कार का भी बताया बहुत बड़ी मिसाल है, तो ये छुपी हुई ऐसी इनटेंजिबल वैल्यूज जिन्हें मैं कहूंगा, जो छुपी हुई चीजें हैं जो हमारे यूथ फेस्टिवल की देन, यही तो है खूबसूरती इस पूरे गुलदस्ते की। सर और जिसने मुझे भोजन लाके दिया था वो कभी मेरा प्रतिद्वंदी हुआ करता देखा, था। तो ये याददाश्त जो है, यादों की डोर जो है, यही तो है जो हम काउंट करते हैं अभी, और इसके अलावा इंसानियत के पास और कुछ नहीं रह जाता कि यादें रहती हैं, और यादें ऐसी हो जिससे आप मुतासिर हों, प्रभाव पड़े जी और जिससे सीखें और सिखाएं, ये इंसानियत का जज्बा है और इंसानियत इसको ही कहते हैं। जो लोग जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि आदरणीय डॉक्टर सैमसन डेविड सर ने बुजुर्गों की सेवा से काम शुरू किया, बुजुर्गों के लिए काम शुरू किया, युवाओं पर आए और आज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हेल्पेज इंडिया का नाम हम लोगों ने सुना है सर, हेल्पेज इंडिया के बारे में आप बताएं, आपका अनुभव क्या रहा है? देखिए हेल्प एज जिस तरीके से कहते हैं, एजेड लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो है, हमारे सीनियर सिटीजन और खासकर ऐसे जो नेगलेक्टेड हैं, लोनली हैं, जिनका कोई नहीं है,
ये भी देखा गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम किस तरीके से ब्रेक हुआ पिछले, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई उसके बाद से चढ़ता ही गया पूरा जमाना ह्यूमन वैल्यूज में। इसी तरीके से पिछले कुछ सालों में देखा गया कि लोग जो है ब्रेन ड्रेन का, जैसे आपने अभी बताया, लोग नौकरियां करने लगे, भाग रह गए, उनको छोड़ दिया, अब उनका कोई पूछने वाला नहीं। उसके लिए ओल्ड एज होम्स बने, कुछ बिल्कुल नेग्लेक्टेड जिनका कोई नहीं था, उनकी दवाइयां करने वाला कोई नहीं था, उनका देखभाल करने वाला, तो उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनते थे। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ क्रिएट हुई, हेल्पेज इंटरनेशनल से एक ब्रांच हुई हेल्पेज इंडिया। तो शुरुआत में 1980 के अंदर, जो अभी लोगो भी देखते हैं आप हेल्पेज इंडिया का, मुझे खुशी है बताते हैं वो मैंने डिजाइन करा था, जो क्या आज बात है जिसके सर, कार्ड वगैरह सब पे मिलते हैं। तो ये एक मोहब्बत की निशानी अभी भी है बरकरार। तो उस पे हमने फंड्स जेनरेट करे 5 साल लगातार। तो मैं स्कूलों में जाता था अपनी टीम के साथ, मैं सीनियर स्पॉन्सर रिपोर्ट इवेंट्स ऑफिसर था, काफी बड़ा स्टाफ था पूरे ऑल ओवर इंडिया, और मैं पूरे देश में मैंने भ्रमण करा, 1200 स्कूल तकरीबन मैंने कवर करे। तो मुझे इतना सीखने को मिला वहां, बच्चों को जब मैं क्लास टॉक्स असेंबली टॉक्स देता था, प्रिंसिपल से मिलता था, बच्चों को गा गा के, बच्चों से वॉक्स करके और बच्चों के साथ प्रोग्राम करके, फंड जनरेट करके इन बुजुर्गों की सेवा जो करी, तो वो 5 साल मेरे जो बीते वो आज भी मेरे नक्श हैं, पूरे दिमाग के ऊपर जुड़े हुए हैं, वो हीर मोती की तरीके की मेरी पूरी पूंजी है, पूरे जीवन में वो है। क्या बात है सर। सर 2004 में सौ फेस्ट की शुरुआत होती है इंटरनेशनल लेवल पर, जो एक फेस्टिवल यूनिफेस्ट के बाद जैसे हम कहते हैं सर, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके पीछे क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है? देखिए, जो यूनिफेस्ट हम इंटर यूनिवर्सिटी जोनल नेशनल यूथ फेस्टिवल लगातार 85 से कर ही रहे थे, 1985 से, तो इसके होराइजन को बढ़ाने के लिए ये सोचा गया कि भाई कुछ अपने साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, या श्रीलंका है, बर्मा है, हमारा नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सबके यूथ को भी बुला के अपने यूथ के साथ इकट्ठा करके अपनी जो सांझी विरासत है, आपको तो ये सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के ही ये तकरीबन पार्ट थे सारे के सारे लोग। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, भारतवर्ष जिसे कहा जाता है, दूर दूर जी तक फैला हुआ था। तो वो विरासत जिसको हेरिटेज या कॉमनैलिटीज, जो हमारे पॉइंट्स थे, कॉमन पॉइंट्स, तकरीबन वही लैंग्वेज, वही पहरावा, वही खाना पीना, वही इमोशंस हमारी अभी भी हैं, उन सबको इकट्ठा लाने का प्लान बनाया यूथ फेस्टिवल में। तो हमने कहा इसको बोले क्या, हमने कहा यार साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल बोलो, SAUFEST। उसको फिर निकनेम हमने दिया और उसको एक्रोनिम बनाया हमने, सौ फेस्ट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल। तो सौ फेस्ट का नाम पड़ा। हमने सारी सांझी विरासत को शेयर करने के लिए, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या सोशल डेवलपमेंट है, क्या फिलोसफिकल डेवलपमेंट है, क्या यूथ सोचता है, पूरी दुनिया को, साउथ एशियन कंट्री, पूरी दुनिया को एक अगर शांति का समाचार या कोई ऐसी चीज पैदा करके दे इकट्ठा होके अपने म्यूजिक से, डांस से, लेक्चर से, डिबेट से, तो वो कैसे देगा। तो उन्होंने कहा भाई इस सांझी विरासत को शेयर करें दुनिया के साथ सौ फेस्ट के थ्रू। तो सौ फेस्ट पैदा हो गए। फिर हमने ढाका में इसका ऑर्गेनाइज करा, नेपाल में ऑर्गेनाइज करा, कई यूनिवर्सिटीज में अलग अलग। तो सारे अभी हमने जो करा, रविशंकर यूनिवर्सिटी जो थी उसमें बहुत बड़ा हमने इसको करा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करा, तो ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक अलग से करा, जम्मू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले करा। तो ये होते रहे, और जिनका मूल उद्देश्य तो ये है कि सांझी विरासत को, साउथ एशियन को एक दूसरे को चखना और चखाना, क्या बात है। शांति पिछले 34 से 35 वर्षों का जो सफर है, उस 34 से 35 वर्षों के सफर में आप अपने लिए क्या सोचते हैं? मैं देखे ये एक बड़ा इमोशनल फिलोसफिकल एक सवाल है आपका, और कि आप क्या सोचते हैं अपने लिए इतना करने के बाद। मुझे कुछ नहीं नजर आता है
और ना मैं चाहता हूं कि मैं सोचूं इस पहलू में, क्योंकि मैं स्टिल मैं उन्हीं का मही इन द सेंस जो पैदाइश हुई थी दोस्ती की, मैं अभी वो मोहब्बत के उसी प्योरिटी के अंदर, उस प्योरिटी को मैं किसी भी तरीके से, जिस तरीके से सोशल मीडिया में आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज आइडियोलॉजी सब चेंज हो गए, मैं नहीं चेंज चाहता। मेरी वही मोहब्बत वही की वही है, और मैं 35 साल में जो मेरी दोस्ती तब थी वो आज भी है, वो आगे भी रही, मेरा सोच वही रहेगा, और मैं अपने को हमेशा एक बच्चा समझता हूँ। आई एम अ लिटिल किड, आई एम नथिंग बियॉन्ड दैट। ये सर, जब आप कभी इस प्रकार से यूथ फेस्ट में, आप तो अगस्त से लेकर के फरवरी तक शायद व्यस्त रहते हैं, और केवल यूथ फेस्ट के अलावा वाइस चांसलर्स का मीटिंग है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, परिवार ने कभी शिकायत की है आपकी कि कभी तो घर पर रहा करो? देखिए, ये तो ऐसा सीन कई बरसों मैंने देखा जब मैं नौकरी कर रहा था, कि कई तरीके के काम थे, तो मेरा एक सूट केस यहाँ रहता था, दूसरा वहां रहता था, तो एक आके पकड़ के ले गए, दूसरा लाए, दूसरा ले गए, फिर ले। इस पे बहुत ज्यादा सोचा नहीं सालों साल, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता रहा। तो बहुत घूमने का अवसर मिला, बहुत मेरे को ऊपर वाले की दया से कह लीजिए या उसकी बरकत थी, इतने सारे परिवार हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस गली में जाऊं, बड़ी बात नहीं कह रहा ना आपकी प्रशंसा कर रहा, जिस गली में जाऊं सिर्फ एक फोन करना है, मेरे को रिसीव करने लोग आ जाइए, घर पे रखेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, और सिर्फ एक मोहब्बत है, वो चाशनी जो मोहब्बत की है, वो लोग मुझे इतनी चखाते हैं और मैं उनके साथ रिलिश करता हूँ। इतना बड़ा परिवार है हमारा, हम सबका, और ये ही एक मूल उद्देश्य ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज के साथ, फैमिली वैल्यूज, परस्पर वैल्यूज, जब एक दूसरे से, अगर ये हो गया तो सबसे बड़ी जो एक ही वर्ड के अंदर समप करते हैं हम सारी बात, वो है मोहब्बत, ट्रू मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत अगर आप हैं तो आपके सारे गुनाह माफ, लेकिन मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। क्या बात है सर, बस एक या दो सवाल मैं और लूंगा, उसके बाद हम आपका समय खराब ना करते हुए समय को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले और आखिर दो सवाल लेने से पहले मैं चाहूंगा सर, एक ऐसा गीत जो प्रेरणा से भरा हो, जिसमें ऐसा लगे कि आप कुछ संदेश भी दे रहे हैं, एक ऐसा गीत हो जाए। ये तो बहुत अच्छा कहा आपने। मैं सोचता हूं कि एक जब हम छोटे थे, संत ज्ञानेश्वर फिल्म आई थी और सब लोगों को ये गाना बहुत पसंद है, मुकेश जी ने भी गाया, लता जी ने भी गाया, मुकेश ने गाया था संत ज्ञानेश्वर में, कि जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बह। क्या बात है, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो तीन दुखी, राह में आए जो तीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या बात है सर। सर मेरे पास में एक संदेश है, नागपुर विश्वविद्यालय के वेंकटेश नायडू हैं, जिन्हें आप चेहरे से या नाम से शायद जानते हो, उनका संदेश यह है, 2013 से 2016 नागपुर विश्वविद्यालय का उन्होंने प्रतिनिधित्व तो शतरंज में किया, फिर 2019 और 20 में उन्होंने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व तो वाद विवाद और वक्तृत्व, डिबेट और एलोक्यूशन में किया। उल्लेखनीय यह है कि इन 5 नेशनल्स में उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक के सभी शहरों को देखा
यादें इकट्ठा की, सफर किया जिनमें सबसे अधिक सर्वोपरि मंच पर जाकर पुरस्कार पाना सबसे अधिक अनुभव, और 16 वर्ष के अनुभवहीन नादान बालक से 24 वर्ष के जिम्मेदार युवा बनने का सफर पूरा उन्होंने यूथ फेस्टिवल को दिया है। क्या बात, क्या बात? यानी 16 वर्ष की शुरुआत की और 24 साल तक, तो मेरे ख्याल से ऐसे कई वेंकटेश होंगे, ऐसे कई बालक होंगे जो यूनिवर्सिटी के मंच पर जाते हैं और एक जब 24 और 25 साल की उम्र में निकलते हैं तो तराशे हुए होते हैं, ढले हुए होते हैं। तो यूनिफेस्ट एक ढांचा है, एक सांचा है, जहां पर आप और अन्य जो जुड़े हुए हैं वो इन सभी कलाकारों में निखार लाते हैं। मेरा इसी पर से एक द्वितीय अंतिम सवाल है, सेकंड लास्ट है जी। सर, ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो इस प्रकार के यूनिफेस्ट को करते समय, ऑर्गेनाइज करते समय आप लोगों को आई है या हमेशा आती है, और उसके बाद भी युवा यूथ फेस्टिवल हो जाता है, किसी पार्टिसिपेट को या किसी को पता भी नहीं चलता कि डॉक्टर सैमसन डेविड के दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितना फाइनेंशियल क्रंचेस है, लेकिन डॉक्टर साहब के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, हमेशा वो मुस्कुराते रहेंगे, जबकि उनके दिमाग में यार वो काम नहीं हुआ है, खाने वाले का चावल खत्म हो सकता है, उसका कुछ आया नहीं है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। इसके अंदर जो बड़ी बात मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स का गेम है, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करना, किसी प्रोग्राम को करना, प्रक्रिया अगस्त से स्टार्ट हो रही है, फरवरी तक चल रही है, हजारों यूथ आए, फोन आते हैं, चिट्ठियां आती हैं, फाइलें खुलती हैं, सिफारिशें आती हैं, हमारे बच्चे का ध्यान रखना नहीं होता इस तरीके से, उसको पूरी तरीके से मूल रूप में आपको बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, आपको बड़ा डिप्लोमेटिकली भी चलना है, बहुत से बच्चों को रह जाना पड़ता है, नहीं आता जो वो सोचते हैं, और उस वक्त उन लोगों के चेहरे को उनका आमना सामना कर जाना ये एक बड़ी मुश्किल होती है। सबसे बड़ी बात के जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आएंगे, लेकिन वो कहीं भी कुछ नहीं आए, और फिर वो सामने आ जाते हैं, फिर उनका चेहरा मेरे से नहीं देखा जाता, एक बात। सेकंडली आपको तैयार रहना पड़ता है कि एक अनार 100 बीमार में, मान लीजिए 40 टीमें आपकी वनक प्ले में आई है, वनक प्ले एक ऐसी चीज है उस पर हर आदमी सोचता है हम ही टीम, क्योंकि तो पूरी प्रॉपर्टी 2-2 लाख के सेट लगाना, इतने लोगों को लाना, बसों को हायर करके लाना, पंजाब से डाउन साउथ जाना या साउथ वाले इधर आना, तो वो बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आते जजमेंट में, तो उनको उनके चेहरों को बर्दाश्त करना, क्योंकि एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तक वो नाराज रहते हैं आपसे, ये अंदर की बातें हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अब इसलिए बता रहे हैं कि ये उनको बर्दाश्त करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट एक काम होता है, और उनको प्यार से समझाना, और वो समझ भी जाते हैं इस बात में, लेकिन वो एक टाइम का पीरियड ऐसा होता है, मान लीजिए 5वें दिन आपके रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, उस वक्त जो मेरी हालत होती थी, आई नो माई सेल्फ ओनली, कि उससे बड़ा पेन दुनिया में कोई नहीं होता जो वो होता है, कि आपके रिजल्ट 28 इवेंट के हो रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप इवेंट हैं, सोलो इवेंट हैं, पहले थर्ड वाले को बोला, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को, उस पर किसी का नहीं आया, तो लोग आपकी तरफ किन निगाहों से देख रहे हैं, आप उनको फेस नहीं कर पा रहे, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है। तो ये कुछ ऐसी इमोशंस और फीलिंग्स का वक्त होता है जो सबसे पेनफुल रहता है, और इसका इजहार मैंने आज आपके सामने करा है, बड़ा डिफिकल्ट है इस पर बोलना जी, क्योंकि जब हम स्कूल में छोटा इवेंट करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर होता है सर, उसके दिमाग में कम एक समय में कई बातें चल रही होती हैं, लेकिन उसे सारी चीजों का ख्याल रखने से ज्यादा यदि उसने बाहर से किसी को बुलाया है तो उसे तकलीफ ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें आप महारत हासिल है आपको, और आप उसके विजेता है। मैं ये कहूंगा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुरा करके आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट का ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, जिसको मैंने शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब टीमें आती हैं, हर टीम को पता है कि मैं उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और जी हर टीम आती है वो यही एक्सपेक्टेशन में आती है कि भाई मैं हूं तो मेरा ध्यान रखेंगे, अच्छा कमरा मिलेगा, अच्छी बाल्टी मिलेगी, अच्छा मग मिलेगा, अच्छी दरी मिलेगी, अच्छी चादर मिलेगी, अच्छी प्लेट मिलेगी खाने के लिए, मुझे स्टेज के ऊपर जब जाएंगे तो तहजीब से मेरा माइक का सिस्टम सही होगा, हमें कोई हर चीज जो आपको टैग मिलता है लगाने का या आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा वो मेरी वजह से सही हो जाएगा। हर आदमी आकांक्षाएं लेकर आता है, अभिलाषाएं लेकर आता है, तो वो सारा को बैलेंस करना, और जब नहीं होता है तो वो जरूर है आपके सामने आके आप घूम करते हैं या कुछ करते हैं, नाराज भी होते हैं नहीं भी होते हैं, लेकिन इसको संभाल के बैलेंसिंग करना, इसकी अलाइनमेंट करना, ये एक इंजीनियरिंग का काम है, इसकी इंजीनियरिंग को आपको आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जी सो सर, बातें बहुत है करने के लिए, मैं आपसे एक वादा ले रहा हूं कि बहुत जल्द आप दोबारा हमारे बीच होंगे। ठीक है जी, ओके, और इस वादे, जी सर, इस वादे के साथ एक आखिरी, चलते चलते सर, एक आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें कोरोना का के प्रति लोगों को संदेश हो, युवाओं को संदेश हो, चाहे गीत के माध्यम से हो या शब्दों के माध्यम से, सर चयन आपका है। कोई बात नहीं, मैं बोल के कहूंगा, वो यही है कि जमाना बहुत तेजी से चेंज हुआ है, और आज की डेट में जब हम बैठे हुए हैं तो बहुत जबरदस्त शॉकिंग एक जमाना है, जो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, और पिछले कुछ 5-6 सालों के अंदर जो चीज चेंज हुई है, जिसे कहते हैं डिजिटाइजेशन से, तो आप भी जानते हैं हम भी जान रहे हैं किस तरीके से कि हम चाहते हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन हो जाए, हर चीज हो जाए, लेकिन वही चीजें जो हैं ये हम ना पसंद करते थे। हमारे माँ बाप जो है, जब नए नए फोन आए थे, लड़ाइयों झगड़े होते थे हर घर में, फोन को यूज कर रहे हो अभी तक, सोते क्यों नहीं है, लेकिन अब जो शिकायत करते थे वही उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। सब चेंज हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एक शेर याद आ रहा है मुझे, जी सर, बहुत इसी वक्त के लिए है, क्या शहरयार साहब का, शहरयार साहब का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जिन्हें उमराव जान के गाने लिखे और वगैरह वगैरह, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, कि जो बुरा था, जो बुरा था वो हो गया अच्छा कैसे, और क्या बात है, के और वक्त के साथ इस तेजी से मैं बदला कैसे, क्या बात, चाहे आप चाइनीज फूड खराब समझते थे, फास्ट फूड खराब समझते थे, वो खराब, वही चीजें अच्छी लगे के जो बुरा था वो हो गया अच्छा कैसे, और वक्त के साथ इस तेजी से मैं बदला कैसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, भले ही गुनगुना दीजिए, चलते चलते सर, चलते चलते हो जाए। चलिए, राग पहाड़ी पे गुलाम अली साहब को सलाम करते हुए छोटी सी दिल में एक लहर सी उठी है, कोई ताजा हवा चल गया, दिल में एक लहर सी उठी है भी, दिल में एक लहर सी उठी है भी, कोई ताजा हवा चली है भी, कोई ताजा हवा चली बस एक शेर सुना दूं फिर खत्म।
जी सर। शोर बरपा खाने दिल में, शोर बरपा शोर बरपा खाने दिल में, शोर बरपा खाने दिल में, दीवार से गिरी है कोई तारा, हवा चली है एक लहर भी। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर सैमसन डेविड सर हमारे साथ हैं और आप भारत के भीतर जो युवा हैं, जो यूनिवर्सिटीज से जुड़े हैं, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, सभी आपसे परिचित हैं। सर आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना समय निकाला, इसलिए हम आपका सर बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ये ऊर्जा, आपका ये उत्साह हम जैसे युवाओं के लिए और जितने भी युवा जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ इसी तरह से बना रहे हम ये आशा करते हैं। साथ साथ जो भी हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय डॉक्टर जॉनी फास्टर सर, अन्य जितने भी महानुभाव हैं जो जुड़े थे, जो आना जाना कर रहे थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी चर्चा लव जिंदगी प्रस्तुत कन्वर्सेशन विद डॉक्टर सैमसन डेविड सर यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन वादा है सर से कि वे दोबारा हमें समय जरूर देंगे। इस वादे के साथ हम विदा ले रहे हैं। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने वालों को देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।